हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी जोन। दोस्तों, आज किस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आ चुके हैं। दोस्तों, आज किस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जो पॉलिटेक्निक के इस समय थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेज चल रही हैं, यानी ऑड सेमेस्टर की जो क्लासेज चल रही हैं, वह कब तक चलेंगी। और दोस्तों, उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जो आपके परीक्षा फॉर्म है एग्जाम के लिए, वह कब भर जाएंगे और आपकी परीक्षा फीस कब जमा होगी। और जिन स्टूडेंट का बैक लगा है, उनके बैक फॉर्म कब भराएंगे और उनकी फीस कब जमा होगी, इसके बारे में बताएंगे। तो इसके साथ साथ बताएंगे कि आपके जो एग्जाम है पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के, वो कब होने वाले हैं। और दोस्तों, आपके एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कब होंगे, आपके सेशनल एग्जाम कब होंगे, इसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी जो है आप पूरी जानकारी को पा सकेंगे और इस वीडियो का लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बताया गया है कि बीसम सेमेस्टर परीक्षा 2020-21 हेतु निर्धारित समय सारणी। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे निर्धारित समय सारणी मेरे हमारे पास आ चुकी है। दोस्तों, यह जो समय सारणी है बीटीयूपी के द्वारा ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से निकाली गई है कि विषय सेमेस्टर पठन पाठन एवं अन्य क्रियालाभ। जी हाँ दोस्तों, यानी बीसम सेमेस्टर का, यानी जो हमारे पॉलिटेक्निक के ऑड सेमेस्टर जो इस फिलहाल में क्लासेस चल रही हैं, इनके जो हमारे पठन पाठन जो कार्य हैं, वो हमारे 15 अक्टूबर से शुरू हुए थे और 20 फरवरी तक चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी इसमें आप जो है पॉलिटेक्निक के ऑड सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं, तो आपके जो क्लासेज हैं 20 फरवरी तक चलेंगे। और दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन बताया गया कि नव प्रवेशित छात्र या छात्राओं हेतु नामांकन आवेदन पत्र। यहाँ दोस्तों, यानी जो स्टूडेंट नए आए हैं, जैसे कि जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में जिन्होंने अपना एडमिशन लिया है, उनके जो है नामांकन फॉर्म जो है 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक भरे जाएंगे। दोस्तों, यह जो कार्य है हो चुका है, जैसा कि भी जो पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के इनरोलमेंट नंबर जो है वो आ चुके हैं, यानी इसी माध्यम से इनरोलमेंट नंबर जो है आए हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं तीसरे ऑप्शन बताया गया है कि परीक्षा फॉर्म भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा किए जाने की तिथि प्रथम, तृतीय एवं पंचम एवं विशेष बैच पेपर परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज बताया गया है कि जो आपके जो परीक्षा फॉर्म है, चाहे आप पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, चाहे थर्ड सेमेस्टर में हैं, चाहे फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, तो आपके जो है परीक्षा फॉर्म जो है कब भर जाएंगे, आपकी परीक्षा शुल्क कब जमा की जाएंगी। और दोस्तों, उसके साथ साथ बताया गया है कि विशेष बैच पेपर की परीक्षा जो है परीक्षा फॉर्म कब भर जाएंगे और उसकी परीक्षा फीस कब जमा होगी। आप यहाँ देख सकते हैं, बताया गया है कि 15 जनवरी से 31 जनवरी तक जो है ये जो सभी कार्य है हमारे परीक्षा शुल्क जमा करने का और परीक्षा फॉर्म जो है भरने का, ये जो सभी कार्य हैं हमारे 15 जनवरी से 31 जनवरी तक कराए जाएंगे। तो आप जो है 15 जनवरी से 31 जनवरी तक कॉलेज में जरूर जाइएगा और अपने सभी परीक्षा फॉर्म को जरूर भरिएगा और अपने परीक्षा फीस को भी जरूर जमा कीजिएगा। और दोस्तों, अगला ऑप्शन चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं, बताया गया है कि ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से भरे गए आवेदन पत्रों के आधार पर अनुक्रमांक आवंटन सहित नामावली ऑनलाइन जारी करने की तिथि। जी हाँ दोस्तों, नामावली जो है ऑनलाइन जारी करने की तिथि जो है हमारी 1 फरवरी से 8 फरवरी तक है, यानी आपकी जो नामावली है 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक आ जाएंगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पांचवें ऑप्शन बताया गया है कि ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज बताया गया है कि आपकी जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड है वो कब आने वाले हैं, यानी दोस्तों आपके जो पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर जो एग्जाम होंगे, उनके लिए जो एडमिट कार्ड आते हैं वो कब तक आ जाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर रूप में बताया गया है कि जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो 21 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में आ जाएंगे, यानी 21 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में कभी भी आपके जो है एडमिट कार्ड आपको मिल सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद बताया गया है अगला कि सेशनल अंकों की ऑनलाइन फीडिंग। एंड दोस्तों, पहले क्या होता है कि पहले हमारे एडमिट कार्ड आते हैं, फिर उसके बाद हमारे सेशनल एग्जाम होते हैं। दोस्तों, सेशनल एग्जाम जो होते हैं वो हमारे सभी सब्जेक्ट के होते हैं, चाहे आप पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट हैं, चाहे थर्ड सेमेस्टर के हैं, चाहे फिफ्थ सेमेस्टर के, आपके भी सभी स्टूडेंट के जो है सेशनल एग्जाम करवाए जाते हैं। और दोस्तों, जो सेशनल एग्जाम है सभी सब्जेक्ट किए जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट प्रैक्टिकली हो या फिर ना हो, सभी सब्जेक्ट के जो है प्रैक्टिकली सेशनल एग्जाम होते हैं। दोस्तों, सेशनल एग्जाम में क्या होता है कि आपसे जो कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिन्हें आपको उनके उत्तर देना होता है। और दोस्तों, जो सेशनल एग्जाम है 10 से 20 मार्क्स के बीच के होते हैं, जिन्हें आपके कॉलेज में ही करवाया जाता है। तो दोस्तों, आपके जो सेशनल अंकों की जो ऑनलाइन फीडिंग का जो कार्य है वो आपके 15 फरवरी से 28 फरवरी तक किया जाएगा, यानी दोस्तों 15 फरवरी से जो है आपके सेशनल अंक भरे जाने का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा और 28 फरवरी तक इस कार्य को किया जाएगा। यानी दोस्तों, आपके जो सेशनल एग्जाम के मार्क्स हैं वो 28 फरवरी तक जो है चढ़ा दिए जाएंगे। और दोस्तों, उसके बाद जो है सातवें नंबर बताया गया है प्रयोगात्मक परीक्षा, कार्यक्रम परीक्षा, क्रियान्वयन एवं ऑनलाइन फीडिंग। यहाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज बताई गई है, यानी जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम है। यहाँ दोस्तों, बहुत से कॉलेज में क्या होता है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं वो हमारे मुख्य परीक्षा यानी सैद्धांतिक परीक्षा के बाद करवाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों इस बार जो है आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो आपके मेन एग्जाम के पहले ही कराए जाएंगे। बताया गया है कि जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम है, दोस्तों जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं हमारे पॉलिटेक्निक के जो भी सेमेस्टर होते हैं, सभी सेमेस्टर में करवाए जाते हैं, चाहे आप पॉलिटेक्निक के इसमें फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट हैं, चाहे थर्ड सेमेस्टर के हैं, चाहे फिफ्थ सेमेस्टर के, सभी स्टूडेंट के जो है प्रैक्टिकल एग्जाम करवाए जाएंगे, जिन्हें आप देख सकते हैं 21 फरवरी से शुरू हो जाएंगे और 5 मार्च तक करवाए जाएंगे। दोस्तों, जो यहाँ पर 8वें नंबर बताया गया है सैद्धांतिक परीक्षा, जहाँ दोस्तों आपकी जो मुख्य परीक्षा है वो थ्योरी एग्जाम जो है सैद्धांतिक परीक्षा, वो आपकी
8 मार्च से शुरू हो जाएगी और 27 मार्च तक करवाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी आपके जो मेन एग्ज़ाम है वह 8 मार्च से शुरू हो जाएंगे और 27 मार्च तक जो है आपके मेन एग्ज़ाम की जो मेन एग्ज़ाम है वह ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं 27 मार्च तक जो है सारी क्रियाएँ जो है पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए जो भी होनी थी वह ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आपके जो रिप्लाई है उसे जरूर देंगे। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।